उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% क्षेत्रीय आरक्षण देने पर भाजपा महिला मोर्चा और अलग अलग संगठनों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया है। दरअसल उत्तराखंड में साल 2013 में हाईकोर्ट ने पूर्व में लागू 30% महिला क्षेत्रीय आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले में मजबूत पक्ष रखा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की लगी रोक हटाकर महिला आरक्षण को एक बार फिर हरी झंडी दे दी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह नहीं धामी ने नहीं। 30% महिला आरक्षण लागू होने पर प्रदेश की महिलाओं को और बधाई दी। काफी संघर्ष उनके जीवन में है, क्योंकि अन्य स्थानों से हमारे यहाँ का जीवन मातृशक्ति के लिए बहुत कठिन जीवन है। इसलिए पहले से जो हमारा यहाँ पर आरक्षण चल रहा था, उस आरक्षण को बीच में रोक लगी थी माननीय न्यायालय में, और हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। हमने तय किया कि अपनी मातृशक्ति के हित में, माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए हम इस पर विधेयक लाएंगे। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है सभी महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, यहाँ की बेटियों के लिए। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर आकर के हमने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने विधानसभा में 30% आरक्षण महिलाओं को देकर विधानसभा से विधेयक पास करके यहाँ की बेटियों के उज्जवल भविष्य का रास्ता प्रशस्त किया है। जो हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, उनका भविष्य और प्रशस्त हो।